Indian hilly state of Himachal Pradesh, where voting has ended. It is a direct fight between the Congress and the BJP in all 68 constituencies, with 337 candidates in the fray. Nearly 70% polling was recorded till 5 p.m. The final figures are expected to be released shortly. Among those in the fray are incumbent Chief Minister Veerbhadra Singh, his 10 ministers, 8 Chief Parliamentary Secretaries, Deputy Speaker Jagat Singh Negi, former CM Prem Kumar Dhumal, and over a dozen former ministers. I think this vote is for change, to elect a good government which can do the development of Himachal Pradesh. And I think people have also voted for good governance and development model, and BJP stands for that. इस दिन का कई दिनों से इंतजार था, आज वो दिन आया सौभाग्यशाली. मतदाता अपना मत प्रकट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर जिताएंगे. My expectation is that the Congress party will victorious आएगी और हमको जो है चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा. All right, that's what political leaders had to say. But now take a listen in to what voters have been saying earlier in the day. लोग जाते हैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में बढ़ावा मिले जनता को और भ्रष्टाचार से मुक्त हो और नारी शक्ति को सुरक्षा मिले. गवर्नमेंट जॉब निकलती है लेकिन बहुत ऐसे सच होते हैं कि फुलफिल हो जाती है बिना निकले ही, तो वो सब कुछ होना चाहिए. बाकी एजुकेशन के बारे में बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं अच्छे हैं, उनको ठीक करना चाहिए. जो स्वच्छ निष्पक्ष सारा मतलब पब्लिक का ध्यान रखे, हमें ऐसी सरकार चाहिए. और बस बुद्धिजीवी आए, बस जो अपना स्वार्थ ना देखे, निस्वार्थ भाव से जन सेवा करे. जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी है, बिजली है और सड़कें हैं और सब लोग, और क्राइम लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छी तरह से हो. पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा है, उसका कोई गवर्नमेंट बात नहीं करती. वो हर चीज़ उससे डाइल्यूट हो जाती है. हमारी सड़कें, अगर एक आदमी चले और 100 आदमी चले तो उससे सड़कें ख़राब हो जाती है. पानी की फैसिलिटी, सीवरेज की फैसिलिटी, तो ये बेसिक चीज़ें हैं. जो सिक्योरिटी अब थोड़ा सा हिमाचल में अभी तक नहीं था, अब इशू होना शुरू हो गया है.